हेलो एवरीवन, गॉलब्लैडर स्टोन्स के बारे में एक बहुत कॉमन सा परसेप्शन है कि अगर परेशानी नहीं कर रहे हैं तो फिर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता है कि परेशानी अगर कर रहे हैं तो क्या-क्या परेशानियां हो सकती हैं। लोगों को पता है कि या तो दर्द होगा या दर्द नहीं होगा। अगर दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है, उसको परेशानी में काउंट करते हैं। हल्का दर्द है तो उसको परेशानी नहीं में काउंट करते हैं, जो कि आने वाले टाइम में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। तो गॉल ब्लैडर के केस में अगर पता है कि किसी को पथरी है, पित्त की थैली में पथरी है, बहुत ज़्यादा दाईं तरफ या सेंटर में पेन रहता है, खाने के बाद दर्द बढ़ता है, ये डेफिनेटली गॉल ब्लैडर स्टोन के सिम्टम्स हैं। उसके अलावा पेट में भारीपन रहना, बार बार गैस, जलन, खट्टी डकार होना, फ्रीक्वेंट पेन होना, दवा खाने के बाद पेन सही हो जाता है लेकिन 2 दिन में, 4 दिन में या 1 महीने में पेन का बढ़ जाना, बार बार उल्टी होना, मुंह में खट्टा पानी आना, खट्टी डकार आना, ये सारे माइल्ड सिम्टम्स हैं जिसको कि लोग ये समझते हैं कि कोई परेशानी नहीं कर रहा है। लेकिन ये सारे सिम्टम्स बहुत अलार्मिंग हो सकते हैं। अगर किसी के गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, उसको पता है, तो ये सिम्टम्स को भी प्रॉब्लम करने वाले सिम्टम्स में काउंट करिए और अकॉर्डिंगली ही उसका ट्रीटमेंट कराइए और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।